हम लोग ने ना अपने तीनों ने लगवा लिया, छोटे वाले भैया देखना बिना लगवाए आएंगे वो। तो हम लोग यहाँ पे आ गए रणजी का मंदिर, बहुत ब्यूटीफुल है ये देखो, इसमें ना बहुत प्यारे प्यारे सीन्स है। बहुत राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस आज ना हम लोग जाने वाले हैं वृंदावन। वृंदावन में ना पता है मैं क्या बनी हूँ आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में देख रहे हैं। एक बहुत अच्छा सरप्राइज है, मेरा इतना बड़ा प्रमोशन हो गया, इतना बड़ा ना लोग मौसी बनते हैं और मेरा उससे भी ऊपर वाला प्रमोशन हुआ है। वाइफ नहीं बनी हूँ किसी की, मतलब कुछ और बनी हूँ, कभी कुछ और ही सोचो आप लोग। और मम्मी तैयार हो गई, ये मेरे मामा का बेटा था और मेरे छोटे वाले भाई जा रहे हैं, बड़े वाले भाई का एग्जाम है तो वो इसलिए नहीं जा पा रहे हैं। ये हमारे छोटे वाले मामा का बेटा है। हेलो फ्रेंड्स। और हम लोगों ने ना पहले सुबह उठ के सामान रख लिया, 4 बजे उठे थे यार। अभी ना हमारी नानी आई हुई थी, उनकी तबीयत खराब थी, वो गई है, उनकी थोड़ी आइस में प्रॉब्लम हो गई थी तो इस वजह से। और अब हम लोग ने बस सामान अपना पैक कर लिया है, निकल ही रहे हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है, बस बड़े वाले भाई को उठाना है, उन्हें की देनी है घर की। हाँ मम्मा रह गई हमारी, पर्स दिखाओ अपना। वाओ मम्मा यू आर सो स्वीट, लॉक लगा देना। ओके तो गाइस हम लोग निकल गए और अभी आप सिनेमैटिक इन्जॉय करना, बाकी जो व्लॉग होगा वृंदावन में ही जाके कंप्लीट होगा। और देखते हैं अगर हम लोग टाइम पे पहुंच गए ना तो पहले किसी अच्छी प्लेस पे जाने वाले हैं, उसके बाद में अपने घर जाएंगे वृंदावन में। वृंदावन नहीं गए आज हम लोग, डायरेक्ट आज हम लोग गए हैं सबसे पहले जन्मभूमि, क्योंकि हम लोग जन्मभूमि नहीं गए थे। और अभी कितने बज रहे हैं, 11 o'clock हो रहे हैं, हाँ करेक्ट 11 o'clock हो रहे हैं, तो एक घंटा बचा होगा जन्मभूमि बंद होने में। आई होप कि हमें दर्शन हो ही जाए, वरना फिर वहाँ पे से रमन रेती की स्टोरी ना मैं वहीं पे बताऊंगी, और वहाँ पे कोई गोसाई मिल गए ना तो उनसे सुनवाऊंगी, बड़े मज़े से सुनाएंगे, बहुत अच्छी लगेगी ब्रज की भाषा में तो सुननी और ज़्यादा मज़ा आएगा। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे जन्मभूमि पे और आज हम करने वाले हैं दर्शन। ये प्रियांशु ने लगवा लिया, इसके गालों पे भी लगाओ राधे राधे, रंग दो लगवा। हम लोग ने ना अपने तीनों ने लगवा लिया, छोटे वाले भैया देखना बिना लगवाए आएंगे वो, तो वैसे भी उन्हें टीका लगवाना वैसे भी नहीं पसंद। और इसके ना जन्मभूमि की रोड बहुत अच्छी है। मम्मा और मैं और भाई गए दोनों, तो वो लोग पहले फ़ोन वगैरह लेके बैठ गए थे और फिर हम दोनों दर्शन करने चले गए, वो दोनों दर्शन करने गए, अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। भी वीडियोस वगैरह अलाउड नहीं है अंदर, बाहर ही इतने करवा देते हैं फ़ोन वगैरह सब। गाइस अब हम लोग ने उसके दर्शन कर लिए, हम अपनी कार में आ गए, अब देखते हैं शायद रमन रेती जा रहे हैं, वहाँ की टाइमिंग हमें पता नहीं कितने बजे की होती है, बट आई होप वो भी खुल रही हो तो बिहारी जी की कृपा ही कृपा हो जाएगी। तो वहाँ पे ना रमन रेती नहीं जा पाए क्योंकि ना वहीं पे हमें रास्ते में पता चल गया था, बहन के बेटे ने बता दिया था कि वो बंद हो चुका है, 12 बजे तक बंद हो जाता है, तो हम बहन के घर ही आ गए और ऑलमोस्ट हम लोग आए गए यहाँ पे, बस पार्किंग के लिए थोड़ी सी जगह ढूंढ रहे हैं कार की, दैन उसके बाद में वहीं चले जाएंगे घर पर, शाम को घूमने जाएंगे अच्छी अच्छी जगह। गाइस तो अब ना हम लोग रेस्ट करने के बाद में हम लोग निकल गए हैं यहाँ से रणजी के मंदिर। आज ना परिक्रमा नहीं कर रहे क्योंकि वो बस की नहीं है, मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, गर्मी तो नहीं है यहाँ पे बिल्कुल, मतलब बारिश तो अच्छा मौसम हो रहा है। अभी ना हम लोग एक रिक्शा कर लिया और उसमें जा रहे हैं वो रणजी के मंदिर, और छोटे वाले भैया वहीं रुक रहे हैं, वो पहले भी नहीं गए थे घूमने, इस बार भी नहीं गए।
यहाँ पे आ गया रणजी का मंदिर, बहुत ब्यूटीफुल है ये देखो। इसमें ना बहुत प्यारे प्यारे सीन्स है और ये बहुत ज़्यादा ओल्ड है। We're doing alright. When we are apart, we always do the same dance. Always on the fence, never making sense. I'm not gonna feel a thing tonight. I'm not gonna be the one tonight. Don't wanna hear anything that you say. Your love is a game that I don't wanna play. So don't say you need me when I walk away. हमारे साथ हैं नए इन्वॉल्व हुए हैं, ये हमें सारी स्टोरी बताएंगे अच्छे से। मंदिर में 284 घूमे, 284 प्लस, अच्छा। चार मूर्ति नीचे चार ऊपर है, हर खंभे पर आठ मूर्ति, जैसे कि गाय के अंदर होते हैं ना 33 कोटि देवी देवता, उसी प्रकार से इस मंदिर में 33 कोटि देवी देवता का वास है। हमारे उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है रंगनाथ जी, सोने का ऊपर कलश लगा है, सात कलश है सोने के, एक कलश का वजन है 5.25 किलो का। कहाँ से आना हुआ आपका? अच्छा, इसमें दो जनवरी को बैकुंठ एकादशी आई थी, द्वार तब खुला था, जो भाग्यशाली लोग होते हैं वही देवता दर्शन कर पाते हैं। बोलो बैकुंठ नाथ भगवान की जय, ताली बजाओ। जो हंसेगा वृंदावन में, जो हंसेगा भाई का घर बसेगा, वृंदावन के अंदर में जो हंसे उसका घर परिवार बसे, और जो वृंदावन में आकर के रोए और वो अपने नैना को, क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण ने ब्रज में जितनी भी लीलाएं की है ना, हंस हंस की लीलाएं की, इसलिए यहाँ पर हंसने का महत्व। राधे राधे बोल, राधे राधे भगवान की जय। इधर आओ, ये सोने का खंभा है गोल्डन कलर, इस खंभे का वजन है 500 किलो का, 500 kg। इस खंभे के अंदर में चंदन की लकड़ी है, और चंदन की लकड़ी के ऊपर में तांबे का प्लेट, तांबे के ऊपर में गोल्डन प्लेट छड़ा हुआ है, खंभे के ऊपर में गरुड़ भगवान विराजमान, 19 कलश सोने के लग रहे हैं। दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे मंदिर के ऊपर में, ये सब दान दिए थे सेठ लक्ष्मी चंद्र जी ने माता और पिता के नाम से। बोलिए रंगनाथ भगवान की जय, ताली बजा के चलो, राधे 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 राधे। सामने में बीच में रंगनाथ भगवान ही, ठीक है, रंगनाथ भगवान विष्णु भगवान को बोलते हैं, लक्ष्मी जी है गरुड़ भगवान है, सोने का मुकुट है सोने का कंडल, आगे वाली मूर्ति सोने की है, पीछे वाली अचल मूर्ति है, आगे वाली चल चल मूर्तियों को झांक के निकालते हैं। बोलिए रंगनाथ भगवान की जय, ताली बजा के हंसके राधे राधे राधे। राकेश बालाजी, तिरुपति बालाजी, लक्ष्मी पति बालाजी, हर शुक्रवार के दिन होता है इनका गाय के 51 किलो कच्चे दूसरे स्नान, सोने का मुकुट है सोने का कुंडल है, आगे वाली मूर्ति सोने की, श्री देवी भूदेवी, श्री देवी लक्ष्मी जी को बोलते हैं, भूदेवी धरती माता को। बोलो बालाजी भगवान की जय। भगवान ने संतान नहीं दी, एक दिन ये वृंदावन में, इस मंदिर के बैक साइड में मेन टेम्पल है वृंदावन बिहारी, श्री बाल कृष्ण भगवान का, उन्होंने उस मंदिर में जाकर के भगवान कृष्ण के दर्शन किए, वहाँ जाकर के उन्होंने भगवान की पूजा की अर्चना की, वहाँ से प्रसाद लिया भगवान का, 56 मनोकामना की माला, अच्छा, माला का 5 दाना निकाल के माला को गाय के कच्चे दूध में धोकी, एकादशी के दिन गले में अंधार किया, 11 महीने के बाद उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया, उस बेटे की जन्म की खुशी में आकर के उन्होंने उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर बनवाया, मंदिर में माता जी के नाम से सोना दान दिया और पिताजी के नाम से उन्होंने चांदी। इस मंदिर में आपने जितना भी जो भी सोना चांदी देखा ना, माता पिता के नाम से दान दिया था, क्योंकि ये वृंदावन माता और पिता का तीर्थ, बैक साइड में है मेन मंदिर, जमीन के अंदर सुनी के लिए मूर्ति बाल कृष्ण भगवान का, आज भी घर में जो कोई भी भक्त भगवान जी जैसा भी मनोकामना मांगता है उनका झूला जलाता है भोग लगाता है, आज उसकी मनोकामना पूरा करते हैं, वहीं से मिलता है प्रसाद, घर ले जाके बांटते हैं, तुलसी की माला मिलती है, तुलसी माला का लॉकेट बना के आप गले में हाथ को पहनते हैं, मनोकामना पूरा करते हैं, राधे राधे बोलते हैं, राधे राधे। रक्षाबंधन के दिन हाथी और मगरमच्छ की लड़ाई होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली से, लकड़ी का हाथी होता है लकड़ी का मगरमच्छ होता है, जब हाथी जब पानी पीने के लिए जाता है ना कुंड के अंदर में, तो मगरमच्छ पैर पकड़ लेता हाथी का, तो हाथी विष्णु भगवान को पुकारता है, वो प्रकट होते हैं सुदर्शन चक्र लेके वध करते हैं मगरमच्छ का, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स लीला होती है, असली लीला होती है बिहार में सोनपुर गाँव में, यहाँ डुप्लीकेट लीला कराते हैं, राधे राधे बोल जाओ। काले हुए थे, काला दर्शन हनुमान जी का,
कहते हैं ना राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान काली भैया कैसे लोग। तो हम लोग अपने कुंज गली में एंटर हो गए ना, यहाँ पे भी अंदर एक और दर्शन करे थे। उसमें क्या था, पहले प्रयास बंदर देख, बंदर कौन आ गया चिल्ले मेरा, मैं तो क्लिप कंप्लीट करती थी। तो उसमें क्या था, यहाँ पे ना बिहारी जी का जन्म हुआ था, यशोदा मैया ने और भोलेनाथ को उनके दर्शन नहीं करने दिए थे, तो उन्होंने गोपी का रूप बनाया था। वो गोपेश्वर मंदिर भी हम जाएंगे, तो इस वजह से उन्होंने गोपी रूप बनाया था ना, वो वाले दर्शन यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी फोटोज़ वगैरह अलाउड नहीं थे। यहाँ पे ना वृंदावन का नाम वृंदावन क्यों पड़ा, क्योंकि जो यहाँ पे तुलसी होती है उनको व्रन बोलते हैं, वन हाँ व्रन बोलते हैं, और उसको जंगल को क्या बोलते हैं वन, तो इसलिए बना वृंदावन। तब हमारे वृंदावन का नाम वृंदावन पड़ा। कहते हैं ना, जो वृंदावन में हंसेगा वही का घर बसेगा।